अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल कोकोनट कुकीज़। देखने में बहुत डिलीशियस लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा सा बाउल लेना है और सबसे पहले हमने रूम टेम्परेचर का एक कप बटर लेना है। एक कप बटर है और ये अनसॉल्टेड बटर है। जितनी भी चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे आपने किसी नाप के हिसाब से डालना है या फिर आपने कप के हिसाब से। तो हमने यहाँ पर एक कप बटर को इतना देर मिक्स करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, और ये स्टेप को करते हुए हमें 2 मिनट लगेगा। और 2 मिनट में इसका कलर आप देखेंगे चेंज हो गया है, बहुत क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। तो इसके अंदर अब जाएगी 1.5 कप पिसी हुई चीनी। हमने मिक्सर ग्राइंडर जार में इसको डालकर पीस लेना है और अब हमें इसे इतना मिक्स करना है ताकि दोनों चीज़ आपस में एक जान हो जाए। इसे भी हमें डालकर 2 मिनट तक अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर आप देखोगे कि इसका भी कलर चेंज हो गया है। बहुत अच्छे से करना है दोनों चीज़ों को हमें मिक्स। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा हमने इसके अंदर 1 कप कोकोनट डालना है। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, ये हमें इसके अंदर डालना है। फिर इसे भी हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर छन्नी में 2 कप मैदा लेना है। 2 कप इसके अंदर मैदा जाएगा और इसे हमें छान लेना है। मैदा आपको छान कर ही इसके अंदर डालना है और फिर हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है। और 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा नमक। सारी चीज़ों को हमें इकट्ठे ही छान लेना है। अब हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्स हमें बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके अंदर जाएगा 1/2 कप जितना दूध। दूध को हमने पहले से बाहर निकाल के रखा था, थोड़ा सा हमें पहले डालना है और फिर हमें मिक्स करना है और फिर हमें सारा दूध इसके अंदर डाल देना है। यानी 2 हिस्सों में हमें डालना है, 1/2 करके, सारा एक साथ नहीं डालना है। और फिर हमें एक डो तैयार कर देना है। बहुत आसानी से ये डो तैयार हो जाएगा, आप देख सकते हैं। 2 मिनट में आप देखोगे कि डो तैयार हो गया है। बस हमें बिल्कुल इसी तरीके का चाहिए है। अब हमने 1/2 कप जितना डेसिकेटेड कोकोनट की ज़रूरत है वो हमने साइड पर रखना है। 1 आइसक्रीम स्कूप लेनी है, नहीं है तो आपने हाथों की मदद से छोटे छोटे से पोर्शन तैयार करने हैं। और बस इसका गोल सा शेप बनाना है। बहुत ही आसान कुकीज़ है। बस इस तरीके से हमें इसका शेप देना है और जो कोकोनट हमने लेकर रखा था उसके ऊपर हमें इसे लगा देना है। एक साइड पर ही हमें इसे लगाना है और इसी तरीके से सारी कुकीज़ हमें तैयार कर लेनी है। यहाँ पर सारी कुकीज़ तैयार हो गई है। एक बेकिंग ट्रे पर हमने थोड़ा सा बटर और मैदे को ग्रीस कर लिया। कुकीज़ हमने इसके ऊपर सारी रख दी है, थोड़ी दूर दूर पर हमें रखनी है। और फिर हमें इसे 12 मिनट के लिए 160 डिग्री फारेनहाइट पर बेक करना है, गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और 10 मिनट लगेगा आपको और ये कुकीज़ हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रही है। ये कुकीज़ आप बेकरी स्टाइल घर में भी बना सकते हैं और चाय या कॉफ़ी के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए परफेक्ट बेक हुई है। अब हमें कम से कम इसे 1/2 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है और 1/2 घंटे बाद हम इसको सर्व करेंगे। 1/2 घंटा हो चुका है और मैं आपको दिखा रही हूँ इतनी क्रिस्पी और कुरकुरी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। हमने इसको घर पर बनाया है बिना अंडे से और आपने देखा कि कितनी आसानी से और कितनी सारी कुकीज़ बनकर तैयार हो गई है। ज़रूर बनाइए, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।